सो so, ये हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट uh, हमारा मल्टीलाइन टेक्स्ट कमांड के ऊपर uh, इसके बाद हमने टेक्स्ट uh, हाइट को फिक्स करना है वो हम देखेंगे सो प्रीवियस टॉपिक के अंदर वी आर सीइंग मल्टीपल ऑप्शंस एडिटिंग के हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे तो इस टॉपिक के अंदर हम फर्दर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट कमांड को भी देखेंगे कि किस तरह हम किसी टेक्स्ट uh, फाइल से नोट फाइल से टेक्स्ट को कॉपी करके इम्पोर्ट कर सकते हैं इन 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 आटोकैड और इसके साथ हम uh, और हमने एक मेथड देखा था जो कि ड्रा से था ड्रा के साथ एसोसिएटेड हम और मैथड्स uh, भी देखेंगे कि किस तरह जिस तरह डीटी एक शॉर्ट की थी हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट की तो हम एम टी कमांड जो मल्टा लाइन टेक्स्ट कमांड की है उसको भी ऑपरेट करके देखेंगे और इसके साथ बैकग्राउंड चेंज हम कैसे करते हैं कलर्स के हम बात करेंगे केस अपर केस लोअर केस टेक्स्ट फोन साइज तो ये जो हमारी चीज़ें मल्टा लाइन टेक्स्ट कमांड के अंदर में रह चुकी हैं उनको हम क्विकली इस लेक्चर के अंदर वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम टेक्स्ट टाइप फिक्स करने की बात भी करेंगे और रोटेशन की बात भी करेंगे सो so, अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम इनको फॉर्मली एग्जीक्यूट करके देखें चलिए so, हमारे पास हम वर्क कर रहे थे और हमने एक कमांड जो है वो ड्रा के से जाकर हमने टेक्स्ट और मल्टे लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे शॉर्ट ये टूल बार्स मौजूद है इस टूल बार से ये हमारे पास ए क्योंकि ये ऑलरेडी इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये टेक्स्ट है जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन अगर आप नोट करें तो सेम आपने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी आप दे दें आपने एंड किया और आपके पास ऑप्शन आ रही हैं आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच एनी थिंग पाकिस्तान हम लिख लेते हैं सो पी ए के आई एस टी ए एन पाकिस्तान लिखा हमने और इसके साथ हम सपोज uh, uh, पंजाब देन uh, सिंध uh, हम लिख लेते हैं बलूचिस्तान और uh, हमारे पास uh, खैबर uh, पी के चले काफी लंबा लंबा जाएगा सो so, ये हमारे पास हमने कुछ भी लिख लिया है। हमने देखा कि हम इनका यहाँ से साइज स्टाइल वी टू चेंज इवन इवन कलर हमने ये मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी देख लिया था अब हम इधर आते हैं हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अपर केस और लोअर केस हम नोट करें फर्क क्या है हम जैसे ही अपर केस पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ है सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में हो गया है और लोअर केस में आते हैं तो क्या हुआ है सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो आपके स्मॉल वर्ड्स में चले गए स्मॉल डिजिट्स में तो ये हम यहाँ से जो है कैपिटल और स्मॉल में अपर और लोअर केस से चेंज कर सकते हैं गेन अपर में आ जाते हैं अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम सिलेक्टेड इनको ये हम बाद में इसको देख लेते हैं नेक्स्ट सिंबल हमने ऑलरेडी देखे हैं हम ऐड कर सकते हैं प्लस माइनस ये सारी चीजें हम नोट कर चुके हैं इसके साथ अब हमने कुछ चीजें जो हैं जो स्किप की थी वहाँ आ जाते हैं और वो हमने स्किप किए थी इस ये जो छोटा सा हमारे पास ड्रॉप डाउन एरो था अब यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट टेक्स्ट की तो हमने ये इंसर्ट फील्ड सिंबल कर लिया था इंपोर्ट टेक्स्ट में क्या कहता है कि वो अगर आप नोट करें सो टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल अगर हमारे पास बनी हुई है तो उसके अंदर कोई कुछ लिखा हुआ है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं सो so हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं उसका तरीका कर क्या है आप सर्च बार में जाए आप लिखें नोट पैड एन ओ टी ये बाई डिफॉल्ट आपकी नोट पैड ये जो टेक्स्ट आपका डॉट टी एक्स टी फाइल्स हैं ये ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हर विंडो में ऐड होता है यहां पे फर्ज़ करें हमने ये हमारी नोट पैड फाइल है अब हमारे पास कोई भी कोई चीज़ लिखी हुई है वो वर्ड के अंदर है एमएस वर्ड में लिखी हुई है या आपने उसको आ, कहीं किसी वेबसाइट से कॉपी किया है कहीं से भी आपके पास कोई मटीरियल मौजूद है अब आप नहीं चाहते कि आप काफ़ी सारी एफर्ट करें और वो सारा टेक्स्ट आप एज इट इज़ ड्रा करें सो वाई नॉट टू इम्पोर्ट दैट टेक्स्ट अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है आजकल बड़ा इसके ऊपर हम जो है वो बातें भी हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर कि जो है वो हमारी इम्पोर्ट क्या है कि आप कहीं से कोई चीज़ लेके किसी सॉफ़्टवेयर में ऐड कर रहे होते हैं दैट इज़ नाउन एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है कि आप अगर यहाँ से लेकर किसी और सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ जा रहे हो तो वो एक्सपोर्ट्स हैं तो अब हम देखते हैं कि किस सॉफ्टवेयर से कैड अपनी फ़ाइल को लेकर आ सकते हैं अगर हम कैड से कहीं और ले जाएंगे तो वो फाइल एक्सपोर्ट बनेगी और जो हम किसी और सॉफ्टवेयर में कैड में से लेकर आएंगे वो हमारी इम्पोर्ट फाइल होगी सो ये मेरे पास सपोज कोई भी टेक्स्ट है ये वर्ड फाइल में हो सकता था मैंने इसको ये कैड की जो डेफिनेशन है यहां से इसको कॉपी किया और मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको कर दिया पेस्ट ये कोई भी जो है डेफिनेशन है अब हम चले जाते हैं फाइल में और इसे कर देते हैं सेव एज सेव एज उधर ही करते हैं हम डी ड्राइव के अंदर जहां हमने ऑलरेडी अपना फोल्डर रखा है सो so, ये हमारे पास ड्राइव्स हैं और ये डी है और डी के अंदर ड्राइंग यहां पे जो है हम नाम भी ऐसा ही रख देते हैं आ, मल्टी या मल्टा लाइन टेक्स्ट क्योंकि हमने वहां जाके ऐड करना है मल्टा लाइन और टी ई एक्स टी इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव अब हम यहाँ से कर देते हैं क्रॉस वापस हम जाते हैं कैड के अंदर और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके और यहाँ पे कर्सर लेकर आते हैं या इसे और एंटर कर देते हैं एंड अगेन लेट्स गो टू दी सेम ऑप्शन के हम मेन्यू uh, के अंदर जाते हैं और इम्पोर्ट टेक्स्ट के अब हमारे पास फाइल मौजूद है हम इसको डी ड्राइव में से एक्सेस करते हैं ड्राइंग में तो आप नोट करें तो वही फाइल जो हमने बनाई थी वो मौजूद है आपने इसको ओपन करना है जैसे ही आपने ओपन किया अब आप नोट करें तो क्या हुआ है हमारे पास कैड की डेफिनेशन जो हमने उस फाइल में लिखी हुई थी एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया अगर आप इसको डिलीट कर दें तो आप नोट करें ये हमारे पास डेफिनेशन सी तो इस तरह हम कहीं पे भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो उसको नोट फाइल में कॉपी कर लेंगे और उस फाइल 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 को को हम पे। को हम हम पे टेक्स्ट भी कहते हैं हैं अब हम वापस आते हैं। और हमारे पास पैराग्राफ अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी देखी है लेफ्ट है सेंटर है सेलेक्ट करने के बाद अगेन सेलेक्ट लाजमी करना है देन वी कैन वी कैन अप्लाई ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं सपोज uh, हम इसको सेंटर करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन है फिर हमारे पास बुलेट्स एंड लिस्ट है यस yes, अब हमारे पास से ये कोई भी लाइंस हैं और हम इनको नंबर uh, करना चाह रहे हैं तो अब आप नोट करें तो ये क्योंकि एक ही हमारे पास डेफिनेशन है तो इसने वन किया अब आप यहां पे एंटर करें तो ये टू है कुछ भी आपने लिखे यहां पे आप करें तो ये थ्री है यहां पे आप करें तो ये फोर है तो कुछ भी आप यहां पे लिखते जाएंगे तो आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और इसके सिर्फ नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव नहीं यू कैन इवन एड लेटर एज वेल इसके बाद हमारे पास कॉलम्स हैं हम फिलहाल डायनामिक कॉलम्स में ही रहेंगे ये चेंज केस ऑलरेडी हम अपर और लोअर केस कर चुके हैं और इस बात हमारे पास करेक्टर सेट एंड देन वी आर हैविंग दिसरी इंपॉर्टेंट कमांड बैकग्राउंड मास्क अगर आप अपने कलर के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट का तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड मास्क में आए जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक और टूल हमारे सामने बैकग्राउंड मास्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो कह रहा है यूज बैकग्राउंड मास्क यस वी वी वांट टू यूज यहां पे हम कलर सपोज ग्रीन कर लेते हैं जैसे हम ओके okay करते हैं तो आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है कहां से किया हमने ये दिस बैकग्राउंड मास्क एंड इफ वी वॉन्ट टू रिमूव फॉर्मेटिंग जस्ट आप रिमूव फॉर्मेटिंग और रिमूव अब जैसी क्लिक करते हैं आपने करेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो ये देखें उसने ओरिजिनल करेक्टर में लेके आ गया है हम कोई और ऑप्शन भी देख लेते हैं अगर हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो उसको भी उसने कर लिया है so, सो यहां पे अगर आपने कोई रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग तो आप डिपेंड्स कि आप अगर फॉर्मेटिंग जितनी आपने की है इफ यू वांट टू रिमूव तो इस तरह आप और अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करके इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी आप कलर इसका आ, करना चाह रहे हैं हमने जिस तरह ऑलरेडी किया हम कहते हैं नो बैकग्राउंड कलर ओके अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ये हमारे पास मल्टी लाइन है जो हमें बड़ा बेसिक डिफरेंस देख रहे थे वो डिफरेंस हम दोबारा देख लेते हैं अब हम कोई सिंगल लाइन की टेक्स्ट कमांड वो लगा लेते हैं ड्रा कर लेते हैं डी टी एंटर और ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और लेट्स लेट्स राइट एनीथिंग ये कुछ भी हमने सिंगल लाइन में टाइप किया है इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा था ये हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है और ये हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट में लिखा हुआ है अब अगर इस पर आप क्लिक करते हैं डबल क्लिक करते हैं हम सो लेट्स सी के हमारे पास क्या ऑप्शन है तो एडिटिंग आप देखें तो डबल क्लिक करने के बाद सिंपली हम या तो इसमें कुछ माइनस कर सकते हैं या कुछ प्लस कर सकते हैं इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें नहीं दे रहा बट अगर हम अपने मल्टीलाइन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जो कि ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं हमने उसको बोल्ड करना टल एक जिस सेटिंग्स हमने की हैं तो ये uh, एक uh, जो है वो हमारा बुनियादी डिफरेंस है तो इस तरह आ, हमने टेक्स्ट कमांड को मल्टी लाइन टेक्स को यहां पे कंक्लूड किया है इस कमांड से हमारे हमने देखा कि बहुत सारी ऑप्शंस जो रिमेनिंग अगर इसके अंदर कोई और ऑप्शन है आपने एक्सप्लोर करें आगे वाले लेक्चर में जाके हम आ, इस सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को मल्टीलाइन टेक्स्ट कमांड में कन्वर्ट करने के मेथड भी देखेंगे सो फॉर द टाइम बींग हमने ये जितने ऑप्शन किए हैं आपने इनको एक्सप्लोर करना है और अगर कोई रिमेनिंग ऑप्शन हो मेनली वो चीजें आपने याद रखनी है एम हमने कहा कि एम टी ये शॉर्ट की मल्टी लाइन टेक्स्ट और डी हमने लगाई थी फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट बाकी ऑप्शन आपका जब आपने एडिट करना है टेक्स्ट को तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने सिंपली डबल क्लिक जो है उसके ऊपर लाजमी करनी है जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उस टेक्स्ट की एडिटिंग के अंदर आ जाएंगे और आप इसको एडिट कर सकते हैं होप के इन कमांड्स के साथ हमारी आगे जाके ये हमें प्रोजेक्ट में फर्दर असिस्ट करेंगी so, इस टॉपिक के अंदर हमने मल्टी लाइन कमांड के अपने रिमेनिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है और हमने देखा कि किस तरह हम कोई फाइल इंपोर्ट करके लेके आ सकते हैं हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इन एनी फॉर्मेट उसको हम यहाँ पे किस तरह लेकर आ सकते हैं और किस तरह आ, फर्दर हमने सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया सो आई होप कि ये जो हमारी कमांड्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा जाके जब हमने इनको फॉर्मली एग्जीक्यूट का कर, इस्तेमाल करना होगा इन आर प्रोजेक्ट किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्प आउट करेंगी